सोच रहा हूँ कहानी अधूरी सुनाऊं या पूरी, और ये भी सोच रहा हूँ कि ये वीडियो जिनको नहीं मिलेगा उनका सच में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि प्लीज अपने सहयोगियों को, जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं जो कि GDPI या प्रैक्टिकल देने वाले हैं BHO PG कोर्सेज के लिए, ये वीडियो उन तक जरूर पहुँचना चाहिए, और वो भी आज 24 घंटे में पहुँचना चाहिए। नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं CUT पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं CUT PG के थ्रू BHO PG में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है और GDPI यानी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है, तो उनकी जो कॉलिंग है आने वाले 2 दिनों में फाइनली जाने वाली है। कहानी इसलिए बोला क्योंकि सच में बड़ा पेचीदा मामला है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी होगा तो मैं ऑफिशियल लेवल पे कम से कम एडमिशन कमेटी को ये जरूर बता पाऊंगा कि प्लीज बच्चों की मदद की जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज आपका सहयोग बना रहना चाहिए। तो आज का दिन तो बहुत ही खास है, वैसे तो आज हमारे मोदी जी तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आज वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। आज 9 है, 10 और 11 कल और परसों में डिपार्टमेंट के अलग अलग टाइम पे, जरूरी नहीं है कि सबका एक ही साथ चला जाए, आपका एडमिट कार्ड या जिसको बोलते हैं कॉलिंग लेटर, ये आपके मेल पे जाने वाला है। तो मेल पे आपके कॉलिंग लेटर जाएगा और वहां पे एक तरह से मैसेज आएगा कि आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये कंफर्म नहीं बोल पाऊंगा कि आपके सामर्थ वाले पोर्टल पे जाएगा कि नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि CAC इतनी ज्यादा तो कॉन्शियस होनी चाहिए, इतनी ज्यादा स्मार्ट होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा मेल चेक करे ही। तो वो CAC सामर्थ वाले पोर्टल यानी आपका जो पर्सनल पोर्टल है उस पे भी एक आइकन बना दें जहां पे कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए और आप वहां से उसे डाउनलोड कर पाओ। तो ये वाला तो कंफर्म है कि मेल जरूर जाएगा क्योंकि ये डिपार्टमेंट के थ्रू है, तो उन डिपार्टमेंट के थ्रू मुझे पता चला जहां जहां GDPI जहां जहां प्रैक्टिकल होते हैं तो उनको मेल एक्चुअली गया हुआ है कि आपको ये मेल भेजने हैं। तो कल और परसों में कुछ डिपार्टमेंट के आपको मिलने लगेंगे। कोशिश मैं ये करूंगा कि छोटी छोटी वीडियो बना के बताता भी रहूं कि किसका गया किसका नहीं गया। सो प्लीज एक वीडियो मेरा स्किप मत करना, आज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल GDPI के लोग वीडियोज नहीं बनाएंगे, बहुत रेयर बनाएंगे, क्योंकि आपकी संख्या मुश्किल से 2-3 हजार है और 2-3 हजार व्यूज से कुछ फायदा नहीं होता, लोग इसलिए वीडियो नहीं बनाते। लेकिन मैं फिर भी आप लोग को पूरी कोशिश करूंगा कि GDPI के पहले आपको डेट भी कुछ टॉपिक्स भी दो कि आप लोग ये टॉपिक प्रिपेयर करके आओ जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको। और ये जो डेट है आपके एग्जाम का वो है लगभग 17 के बाद, ठीक है। वैसे तो एडमिट कार्ड पर जो डेट होगा वो डेट आप माइंड में रखना, लेकिन मेरे भी यहाँ आप दिमाग में बैठा लो कि लगभग वही 17 से 20 के आसपास आपके फाइनली ऑफलाइन कॉलिंग हो जाएगी BHO कैंपस में, जहां पे आप प्रैक्टिकल और GDPI दे पाओगे। और ये चीज आप जरूर जाकर कंफर्म कर लेना किस किस कोर्स में GDPI और प्रैक्टिकल है, ऐसा ना हो आप सो रहे हो पता ही नहीं है। जैसे MPA होता है, MFA होता है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इन सब ये सब प्रैक्टिकल वाले हैं। MBA है GDPI के लिए, MPMIR है, MSW है, ये सब GDPI वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्लीज एक बार चेक कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरा एक इंस्टा ID है निर्दर्शन, वहां मुझे फॉलो करके आप अगर मुझे मैसेज करोगे तो मैं खुद ही आपकी प्रॉब्लम पूरा सॉर्ट आउट करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं ले रहा आपसे। और दूसरी बात जो यहाँ पे अच्छे समझानी है वो ये है कि इस बार प्रैक्टिकल और GDPI की कॉलिंग ओवरऑल है, यानी टू ऑल। बस MBA में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि MBA में बच्चे ठीक ठाक है हजारों की संख्या में, बाकी में तो मान लो 200-300-400 में काम चल जाएगा, तो सबको बुला के प्रैक्टिकल करवाना, सबको बुला के GDPI लेना, एक तो डिपार्टमेंट के पास उतना लोड नहीं है। लेकिन MBA में कहीं ना कहीं कट ऑफ बनाना चाहिए था, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि चलो सबको एक अवसर दिया जा रहा है कि भाई एक काम करो सब लोग आ जाओ प्रैक्टिकल दो, उसके बाद हम लोग कंबाइंड करके आपका जो फाइनल कट ऑफ होगा वो बनाएंगे। तो इस बार जो कॉलिंग है वो टू ऑल होने वाला है। कुछ कोर्सेज में मैं अपनी भी हाफ ये सोच के चल रहा हूँ कि शायद ये लोग एक बैरिकेटिंग लगा दें कि हाँ इतने राउंड इतने बच्चों को बुला लो, ऊपर के बच्चों को, लेकिन अभी ये मैं कमी वीडियोज में श्योर करूंगा क्योंकि ये अंडर डिस्कशन है, अभी मुझे इस बात की पूरी श्योरिटी नहीं मिल पाई है। जो श्योरिटी मिली है वो ये है कि 2 दिन में आपकी मेल पे कॉलिंग जाने वाली है, उसमें भी सामर्थ का नाम नहीं आया है। मैं चाहूंगा कि सामर्थ पे भी ये जरूर जाए और इसके लिए मैं CAC को जरूर इन्फॉर्म करूंगा, और ये बात तब मैं इन्फॉर्म करूंगा जब ये लोग अभी आपके मेल पे भेज देंगे और सामर्थ पे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मैं बोल दूंगा तो शायद लगे कि तुम ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, ज्यादा ही सोच रहे हो, हम लोग ऑलरेडी प्लान किए हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ देखते हैं CAC क्या करती है, अगर CAC नहीं भेजती है तो मैं CAC को इन्फॉर्म करूंगा कंट्रोलर साहब से मिलके कि भाई देखो बच्चों को सपना नहीं आएगा, जरूरी नहीं हर कोई मेल चेक करे, तो जरूरी है कि आप उसको पोर्टल पे भी फाइनली एडमिट कार्ड जनरेट करो। और कट ऑफ वाली अगर सीन आ जाती है, क्योंकि अभी तो मैं जहां तक सुन के चल रहा हूं कि
ऑल कॉलिंग है, मतलब सभी को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा, सभी को जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा ऑल कोर्सेज में, ठीक है। लेकिन इन केस कुछ कोर्सेज में अगर ये केस आने लगेगा कि नहीं ऊपर से इतने लोग को ही बुलाया जा रहा है, तो ये भी मैं चाहूंगा कि सीएससी जो है वो ये रोल नंबर जरूर जनरेट करे कि हाँ किन बच्चों को बुलाया गया है फाइनली, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे ना भाई। तो प्लीज कमिंग वीडियोज मेरा बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। और अभी के लिए यही है कि प्लीज आप अपना मेल और अपना पोर्टल चेक करना शुरू कर दो। परसों और कल में कुछ डिपार्टमेंट के कॉलिंग चले जाएंगे, और ये मैं डेट इसलिए बता रहा हूँ कि 17 तक लगभग, क्योंकि भाई आप रिजर्वेशन भी तो करोगे भाई, किसी का ट्रैवल कोई इस समय हो सकता है घूमने निकला हो तो भाई वो कम से कम वापस आ जाए, हो सकता है किसी का घर बहुत दूर है तो वो अपना एक तरह से ट्रांसपोर्ट अरेंज कर ले, तो इसलिए मैं आपको मेंटली प्रिपेयर होने के लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज आप मेंटली प्रिपेयर रहना। सो प्लीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज के बाद तो मैं उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, इस वीडियो को शेयर जरूर कर लोगे, भले आपकी संख्या 3000 है लेकिन मैं चाहूंगा कि इस वीडियो की जो लाइकिंग है, जो लाइक कैपेसिटी इंटेंसिटी है वो 100% होनी चाहिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कोई आपके लिए वीडियो नहीं बनाएगा, आप जाके देख लेना, बस तड़प झड़प में बना देगा थोड़े मोड़े ऊपर, ऐसे इतना एथोंटिक नहीं बोलेगा और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि हाँ चलो जीडीपीआई की जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो मैं सॉर्ट आउट करूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने भी आप एक बच्चे का लॉस ना जाए। तो प्लीज बस इसलिए क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मेरा चैनल 100K में चला जाए, अभी हाल ही में 80K कंप्लीट हुआ है, तो एक मेरा भी है कि थोड़ा अच्छा चैनल ग्रो कर जाएगा तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी और बढ़ेगी और अच्छे से काम करूंगा, और आपको भी एक अवसर मिलेगा मेरे प्लेटफॉर्म पे काम करने का, क्योंकि MBA के कोर्सेज अभी मेरे यहाँ नहीं है, अगर आप सेलेक्ट होकर आते हो तो आप ही में से किसी को एक चांस दिया भी जाएगा। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर शेयर करोगे आप लोग, वीडियो लाइक जरूर करोगे, और जैसा भी अपडेट होगा मैं कम्युनिटी पोस्ट करके छोटे छोटे वीडियो बना के जरूर बताता रहूंगा। ग्रुप है जीडीपीआई का, क्योंकि सभी लोग ग्रुप में जुड़ जाओगे ना तो फायदा ये रहेगा कि मैं छोटे छोटे इंफॉर्मेशन वहां डायरेक्टली लिख दिया करूंगा, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज आप लोग उसको ज्वाइन कर ले, जिससे कि मैं आपको वहां पे छोटे छोटे न्यूज दे सकूं कि हाँ देखो इस डिपार्टमेंट का मेल गया है, इस डिपार्टमेंट का फाइनली ये कट ऑफ राउंड है, या जो भी चीजें हैं रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट्स तो मैं आपको देता रहूंगा। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कॉमेंट जरूर करिएगा। हर हर महादेव।